और पटर लोग क्या हाल है। तो वापस आ गया मैं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ अजीब गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। और भाइयों, अगर तुम लोग को लगता नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बना सकते हैं तो तुम लोग गलत हो। तुम लोग ही बना सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड, बस तुम लोग को थोड़ा सा चूतिया होना पड़ेगा। और नहीं 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 बस तुम लोग को चूतिया ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग को मुंह में लेने का शौक है तुम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और अगर तुम लोग जीभ से अपना नाभि टच कर सकते हो तुम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और अभी जिसने भी अपने जीभ से नाभि टच करने की कोशिश किया है ना, तो भगवान तुमसे अकेले में निपटेंगे। तो भाइयों, आज हम लोग कुछ ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्डों को निहारने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला तो एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दो। यार इसे तालियां इसके गार्जियन के लिए बजना चाहिए जो इसके टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना एक तरफ हमारे गार्जियन। अगर कल को मैं अपनी मम्मी को बोल भी देता हूँ ना, मम्मी मेरे अंदर ये सेम टैलेंट है, तो मेरी मम्मी कुछ ये बात बोलेगी, मम्मी मम्मी देखो कैसे मैं कर लेता हूँ, वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा करता है। खैर छोड़ ये सब बात, मेरा अंगूठी ना कल बेड के पीछे गिर गया था, थोड़ा निकाल दियो केकड़ा बन के, मैं झुक नहीं पाती हूँ ना इसलिए। मैं माता चूत हूँ जो इसमें आया हूँ। अब भाई साहब इनसे मिलो, ये है वर्ल्ड के फास्टेस्ट नोज टाइपर। मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि जो काम मैं अपने हाथ से करा सकता हूँ उसके लिए अपने नाक को क्रश करूँ, कि एक टाइम को नाक भी सोचने लगे कि भाई मैं अपना काम ठीक से कर तो रहा हूँ, सूंघने वाला हाथ का काम भी मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहे हो मादरचोद। और तुम लोग इसे कोई आम आदमी समझने की भूल मत करना, इस खटमल ने इस कला को प्राप्त करने के लिए 3 साल मेहनत की है। 3 साल भाई, अगर वो 3 साल तो कुछ सही काम में लगाया होता ना तो आज कुछ अच्छा काम कर रहा होता, समझा। और साला मेहनत भी किया तो एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसे किसी को बताने में भी शर्म आए। इससे अच्छा तो मैं यूँ, कम से कम मुझे पैसा नहीं मिल रहा यूट्यूब से, लेकिन इज्जत तो बना हुआ है मेरा। अब इस दानव से मिलो, खली का छोटा भाई। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 मिनट में 140 नारियल फोड़ने का। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को नारियल से इतना ज्यादा प्यार क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग हाथ से फोड़ रहे, कोई मुंडी से फोड़ रहा, कोई कोहनी से फोड़ रहा, यहाँ तक कि कुछ लोग अंगूठे से फोड़ रहे हैं। अब यार तुम लोग कुछ साल रुक जाओ, ये लोग गांड से भी नारियल तोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर तुझे एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि एक जादुई चीज होता है उसे कहते हैं चाकू, उससे नारियल काट के पी ले, इतना ज्यादा बकचोदी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यार ये लोग ये सब नहीं करेंगे क्योंकि यार इनके अंदर ज्यादा कीड़ा होता है। यही सब देखने के बाद साला नारियल ही बोलता होगा, भाई कुछ तो इज्जत कर ले, मैं फ्रूट में सबसे ज्यादा मजबूत बुद्ध, तू एवे यहाँ से तोड़े दे रहा है, अरे मादर चोद के बच्चे। और तोड़ने के बाद वो झंडा ऐसे लेके चल रहा है जैसे कितना ही महान काम कर दिया हो, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी ही ऊपर चली गई। अब आते हैं हम लोग हमारे चौथे कंटेस्टेंट पे, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मुंह में सबसे ज्यादा स्ट्रॉ लेने का। फर्स्ट ग्लांस, फर्स्ट द टीथ आर अ प्रॉब्लम एंड सेकंडली अकॉर्डिंग टू द रूल्स द स्ट्रॉ। नहीं, ये कौन सा फैंटेसी होता है मुंह में लेने का जो कि ये लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पूरा कर रहे हैं। और इस बंदे ने तो एक टाइम को मिया खलीफा और सनी लियोनी को टक्कर दे दिया जितना मोटा इसने मुंह में लेकर रखा है। एक बार तो वो लोग भी बोल पड़ी, भाई तू ही कर ले पहले। भाइयों मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कल को अगर इसके गार्जियन का इंटरव्यू आ जाए तो वो लोग इसके स्ट्रगल को कैसे डिफाइन करेंगे। आओ यार देख लेते हैं एक बार। कैमरा चालू हो गया क्या? हाँ, तो मैं ही हूँ घनश्याम का पिताजी। और अगर मैं इसकी बचपन की बात करूँ तो इसे बचपन से ही मुंह में लेने का शौक था, कभी मेरा मेरे भाई का ले लेता था मुंह में स्ट्रॉ। और इस कारण की वजह से अपने मोहल्ले में भी ये बड़ा फेमस था, जब भी बड़े बूढ़े से दिखते थे इसे ऐसे ऐसे इशारे करते थे। तो मैं समझ गया इसका यही पैशन है और मैंने इसका पैशन फॉलो कराया और आज आप देख सकते हैं। तो मैं सारे गार्जियन लोग को यही बात बोलना चाहूँगा कि आपके बच्चे का कोई भी पैशन है मुंह में लेना मुंह में देना, उसको उसका पैशन फॉलो कराइए, शायद आपका बच्चा अगले जॉन सीन बन जाए। अब आते हैं इन भाई साहब पे, तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गले मिलने का। और एक बार देखो कैसे ये गले मिलते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अंकल गले मिल रहे हो कि गले पर रहे हो, क्योंकि यार इससे ज्यादा घटिया बेकार नपुंसक गले मिलना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अरे अंकल गले मिलते मिलते झुकते क्यों जा रहे हो इतनी भी, क्या जल्दी क्या टट्टी वट्टी लगा क्या? और अगर टट्टी लगा तो पहले टट्टी कर लीजिए, वरना ऐसे आधे लड़के तो बिना गले मिले छूट जा रहे हैं। और एक बार इन बच्चों की आंखों में देखो, ये लोग अंदर से खत्म हो चुके हैं, सोच रहे कि इस उम्र में हम लोग को लड़की के गले मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग 40 साल के दयाल अंकल के गले मिल रहे हैं। ये सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है।
अब मैं तुम लोग को एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा रूह तो ऐसे ही कांप जाएगा और दो हफ्तों के लिए तुम्हारा सामान अंदर हो जाएगा और सामान भी तुमको कहेगा कि भाई मैं नहीं आ रहा बाहर इस जालिम दुनिया में। तो आओ उस वीडियो को देख लो पहले। लगता है ये पाजी अपने स्कूल में टट्टू में मुक्का मारने वाला मजाक के बहुत शिकार हुए जिसके कारण इनके टट्टे लोहे के हो चुके हैं। और भाई अगर तुम लोगों के साथ भी कभी ऐसा मजाक हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है। खैर छोड़ो इस बात और वीडियो को खत्म करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नीचे कमेंट करना, तो एकदम मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा कि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। मिलूंगा मैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल के ऊपर रसते नहीं, समझ तारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं।